कैसे शुरू करें आलू प्याज का होलसेल बिजनेस। अक्सर जब लोग रसोई में किसी सब्जी को बनाते हैं तो उनमें ज्यादातर प्याज और आलू का इस्तेमाल करते हैं। इससे सब्जी का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ लोगों के घरों में ही नहीं इसका इस्तेमाल होता, बल्कि होटल और ढाबों में भी इन दोनों सब्जियों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। भले ही इसकी कीमत में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। ऐसे में आपके लिए आलू और प्याज का होलसेल बिजनेस करना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आलू और प्याज के होलसेल बिजनेस की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। कैसे करें शुरुआत। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक गोदाम या एक बड़ी सी दुकान का होना आवश्यक है। ये गोदाम या दुकान ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां लोग आसानी से पहुंच सके और साथ ही यहां पर आलू और प्याज बड़ी मात्रा में स्टोर करके रखा जा सके। आप होलसेल में आलू और प्याज न सिर्फ सब्जी वाले या ठेले वाले को ही बेचकर पैसे कमा सकते हैं, बल्कि इसे अगर किसी बड़े होटल या ढाबे में बेचा जाए तो इसमें ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। आलू और प्याज के होलसेल बिजनेस में आपको कुछ ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसे आप कम लागत में शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कहाँ से खरीदें? आलू और प्याज के होलसेल बिजनेस के लिए आप माल के लिए सीधे गांव के किसानों से संपर्क करके ले सकते हैं, जो कि आलू और प्याज की खेती करते हैं। और आप चाहें तो शहर की किसी बड़ी मंडी से भी आलू प्याज खरीदकर होलसेल में बेच सकते हैं। कितनी लागत लगेगी? किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने पर लोगों के मन में जो सबसे पहली बात आती है वो ये कि इसमें लागत कितनी लगेगी। तो आपको बता दें कि आपको लागत गोदाम या दुकान खरीदने में लगेगी और इसके साथ ही किसानों से माल खरीदने में आपको पूंजी देनी होगी। कुल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको लगभग 70,000 से 1,00,000 रुपए तक का खर्च करना पड़ सकता है। मुनाफा कितना होगा? आलू और प्याज के होलसेल बिजनेस में शुरुआत में महीने के लगभग 50,000 रुपए तक मुनाफा कमा सकते हैं आप। लेकिन जब आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा तो इससे आपको करीबन 1,00,000 रुपए तक की कमाई करने का मौका मिल जाएगा। इंडिया के बड़े आलू के होलसेल मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की, क्योंकि सबसे ज्यादा आलू यहीं पर होता है। यूपी में आलू का बड़ा होलसेल मार्केट फर्रुखाबाद, आगरा, लखीमपुर, कानपुर आदि में है। गुजरात में दीसा, पालनपुर, सूरत में भी आलू की बड़ी होलसेल मार्केट है। पंजाब में लुधियाना, दिल्ली में आजादपुर, शाहदरा, महाराष्ट्र में पुणे, नागपुर, हरियाणा में पीपली, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी। तो ये था आलू और प्याज का होलसेल बिजनेस करने का आसान सा तरीका, जिसमें आपकी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।